देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर, यूपी समेत 7 राज्यों ने घोषित की महामारी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कुल 96 मरीजों का इलाज, 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 109 मरीज, राज्य में कुल 268 केस आए सामने, 3 संदिग्धों की मौत। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की चपेट में 13 साल का बच्चा, कोरोना से पहले हो चुकी है मां की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्लैक फंगस को माना नई चुनौती, बीमारी से इलाज पर दिया जोर। दिल्ली में घटे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 3009 मामले, 252 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 29644 मामले, 555 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 7735 नए मामले, 172 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में दर्ज हुए 29673 नए केस, 142 मरीजों की गई जान, 41,000 से ज्यादा बीमार स्वस्थ हुए। राजस्थान में भी घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 6225 केस। आज कानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सुप्रीम कोर्ट से मिली यूपी की सीएम योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई को जारी किए आदेश में यूपी के छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे करार दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था यूपी के हर गांव में 2 एम्बुलेंस का करे बंदोबस्त। हाईकोर्ट ने यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान 13 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में मारे गए सभी 13 नक्सलियों में 6 पुरुष और 7 महिला नक्सली शामिल, इन पर सरकार ने रखा था 70 लाख का इनाम। गढ़चिरौली की घटना स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बरामद हथियारों में AK-47, 303 राइफल, कार्बाइन और 12 बोर बंदूक शामिल। बारामती पुलिस ने चोरी की गई एटीएम बरामद की, एटीएम में था 25 लाख रुपए कैश, लॉक तोड़ नहीं पाए तो एटीएम छोड़कर भागे चोर। सीकर पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार, कछुआ तस्करी का झांसा देकर की थी ठगी। पटना हाईकोर्ट ने सुनाई नरसंहार में 13 दोषियों को किया बरी, प्राप्त सबूत नहीं होने पर छूटे आरोपी। निचली अदालत ने सुनाई नरसंहार के 13 दोषियों में 10 को फांसी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंगेर में गंगा स्नान करने गए एक इंजीनियर समेत 3 दोस्त डूबे, 2 की मौत, 1 को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने गेहूं खरीद केंद्र पर छापा मारकर रखे गए 1,000 बारदाने बरामद किए, इन्हें टॉयलेट में छिपाकर रखा गया था। बाड़मेर में एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी, तफ्तीश में जुटी पुलिस।